यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वही रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा मदीना गांव में पहुंचे और जिस दौरान उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने हरियाणा का भाईचारा बिगाड़ दिया है। हरियाणा में 4 साल से विकास कार्य ठप है। देश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। शहनवाज हुसैन के घर पर जाने पर भूपेंद्र हुड्डा को लेकर जब सवाल उनसे पूछा गया कि बीजेपी नेता शहनवाज के घर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए थे, तो उसका जवाब दिया गया दीपेंद्र हुड्डा की ओर से और कहा गया कि शहनवाज हमारा पड़ोसी है और दीवार से दीवार लगती है, हर रोज हम उनके घर जाते हैं। तो मदीना गांव में पहुंचे थे दीपेंद्र हुड्डा, उनकी ओर से मनोहर सरकार की क्या कुछ खामियां हैं जो कि कांग्रेस को नजर आती हैं उनका जिक्र किया गया। भाईचारा सरकार ने बिगाड़ दिया है, आरोप लगाया गया। साथ ही शहनवाज के घर पर जो दीपेंद्र हुड्डा से जब ये सवाल पूछा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे थे उनके घर पर ईद के मौके पर, वो क्या कुछ था, क्या बदलाव की सुगबुगाहट माना जाए, क्या बदलाव के मूड में थे भूपेंद्र हुड्डा, तो जवाब दिया गया कि वो हमारे पड़ोसी हैं, सिर्फ ईद पर ही नहीं बल्कि रोजाना का हमारा शहनवाज के घर पर आना जाना है। ये बात कही गई दीपेंद्र हुड्डा की ओर से मदीना गांव में। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ और शहनवाज के घर पर जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी ईद के मौके पर, उसको लेकर कई सवाल उठाए गए। विपक्ष के नेता अभय सिंह चौटाला की ओर से तो ये भी कहा गया कि हुड्डा जो है बीजेपी में जाने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हुड्डा ने खुद कांग्रेस को खत्म करने का काम किया है, तो बीजेपी ऐसी गलती नहीं करेगी कि बीजेपी में शामिल हुड्डा को कर लिया जाए। यही सवाल पूछा गया रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा से, तो उन्होंने कहा कि शहनवाज हमारे पड़ोसी हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा सवाल करने वाली बात नहीं है अगर भूपेंद्र हुड्डा ईद के मौके पर उनके घर गए।